तहसील थाना अंतर्गत गीतांजलि टॉकीज के पास पुरानी रंजिश के चलते मुशफिक गैंग के दो लोगों ने कुख्यात अपराधी मोहसिन खान पर फायरिंग कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस हमले में मोहसिन गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे गोली लगी है, उसका इलाज मेयो अस्पताल में जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जाफरनगर निवासी घायल कुख्यात अपराधी मोहसिन खान के खिलाफ शहर के कई थानों में गंभीर मामले दर्ज है। उसके खिलाफ दो बार पुलिस ने मौका भी लगाया है, कई बार जेल में भी वो गया है। मुशफिक गैंग के साथ में मोहसिन की पुरानी रंजिश है। 3 से 4 साल पहले इन दोनों के बीच में मारपीट भी हुई है। मुशफिक और उसके साथी ने गीतांजलि टॉकीज चौक पर दबिश दी और मोहसिन के वहां आते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मोहसिन की गीतांजलि टॉकीज के पास बैठक है, हमेशा वो वहां पर पड़ा रहता है। इसकी जानकारी आरोपियों को थी, जिसके चलते दोनों आरोपी मोहसिन का पीछा करते हुए गीतांजलि टॉकीज के पास आए और पिस्तौल से 2 से 3 राउंड फायर किए। इसमें मोहसिन को गोली लगी। घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। सुबह का समय होने से फायरिंग की आवाज लोगों के घर तक पहुंची। लोग अपने घरों से बाहर निकले। घटना की जानकारी किसी ने पुलिस को दी। पुलिस आने के पहले ही कुछ लोग घायल को मेयो अस्पताल लेकर गए। उसके पैर में गोली लगने की जानकारी मिली है। घटनास्थल पर DCP लोहित मदानी, DCP गजानन राजमानी, तहसील के थानेदार जयेश भंडारकर सहित कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे।